जान बच गई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जान बचा दी। चलो, चलो। अरे भाई साहब, अपने पैसे तो लेते जाइए। 230 रुपए हुए हैं। तुम्हारे चक्कर में दिमाग में ही नहीं रहता कितने पैसे बचे कितने नहीं। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। सुनो नेता, 500 के नोटों को अच्छे से चेक करना, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आप कहते हो तो चेक कर लेती हूँ सर। ठीक। वैसे नोट तो हाथ में लेते ही पता चल जाते हैं। ये तो नकली नोट है। सिक्योरिटी, रोको उस औरत को। रुकिए मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती। मैडम, आपने जो भी नोट दिए वो सारे के सारे नकली हैं। नकली नोट? ये एक्सीडेंट तुम्हारी आंखों के सामने? नहीं सर, जब मैं यहाँ पे आया तो इस औरत की लाश बीच रोड पर पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता इसका एक्सीडेंट कब हुआ। कोई और यहाँ पे था जब तुम यहाँ पे आए? सर, दूर दूर तक कोई भी नहीं था यहाँ पर। सर, आप रेडी? हाँ रेडी। ये जो कांच के टुकड़े दिख रहे हैं, ये उसी गाड़ी के होंगे सर जिसका एक्सीडेंट हुआ है। कांच का टुकड़ा किसी गाड़ी के हेडलाइट का लगता है, लाश के पास पड़ा हुआ है। लगता है ये लड़की गाड़ी के हेडलाइट से टकराई होगी। इसके चेहरे पे भी कांच लगा हुआ है। अगर ये लड़की किसी गाड़ी के हेडलाइट से टकराई है तो गाड़ी काफी बड़ी होगी, जिसकी हेडलाइट काफी ऊंचाई पे है, जो इस लड़की के चेहरे के बराबर सामने आ गई। अरे शायद कोई ट्रक वगैरह हो सकता है। रेडी, ये ट्रक ही है। ये क्या? देखा, टायर के निशान। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की होगी पर शायद कंट्रोल ही नहीं हुआ। जी सर, ये औरत यहाँ सुनसान सड़क पे कर क्या रही होगी? यहाँ पे क्या कर रही थी तो तब मालूम पड़ेगा जब हमें ये पता चले कि औरत है। चली, उस ट्रक की हेडलाइट टूट गई है और टूटी हुई हेडलाइट लेके वो कहीं छुप नहीं सकता है। कहीं ना तो कहीं उसने रिपेयर करवाई होगी। हाँ सर। एक काम करो, इस लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो, इस आदमी का नाम और टेलीफोन नंबर ले लो। प्रेस वाले नोट लेंगे, सारी दुनिया हंसेगी सीआईडी पर। विश्वास नहीं, विश्वास नहीं होता कोई मेरा अपना एक ऑफिसर ऐसा काम कर सकता, नकली नोटों का धंधा कर सकता। नकली नोटों का? ताशा, ताशा, अगर ये सच निकला ना तो याद रखना ताशा, मैं खुद तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा। खुद Thank you.
सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया। माला पहनानी है तुम्हें, सत्कार करना है तुम्हारा। क्या ये? क्या ये? मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मुझे माफ कर दीजिए। एक सीआईडी ऑफिसर होके तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया सीआईडी की इज्जत का? तुम एक ऑफिसर हो। मगर सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सब कुछ मालूम है तुम्हें, सब कुछ मालूम है। तुम बताना नहीं चाह रही, जेल की हवा खाओगे ना तब अक्कल ठिकाने पर आएगी। ये नकली नोटों का धंधा मतलब जहर है जहर, बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। मैंने गुनाह किया है सर, आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी पाशा, तुम चाहे कहो या ना कहो। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी वक्त, और अपनी गिरफ्तारी बचाने की कोशिश करो। गेट आउट। गेट आउट। ताशा के पास नकली नोट आए कहां से? किसने दिए होंगे? कौन कौन हो सकता है? अरे ओ भाई लंबन, अरे तू दिन भर इसी गाड़ी में घुसा रहेगा तो और गाड़ियों का क्या होगा? हा? अरे सेठ, इसमें बहुत काम है। खोलने के बाद देखा तो इसमें बहुत कुछ टूटा फूटा निकला, दिमाग खराब हो गया, काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे होता है होता है, किसी किसी गाड़ी में ज्यादा काम निकलता है। चल जल्दी कर, ठीक कर फटाफट। वैसे सर हमें भी थोड़ा ज्ञान तो मिल रहा। क्या हुआ साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? लेकिन साहब यहाँ तो कोई चोरी वोरी की गाड़ी आई नहीं। नहीं, चक्कर कुछ और है, हम एक एक्सीडेंट वाले ट्रक को ढूंढ रहे हैं। एक्सीडेंट? हाँ, इसके सामने का शायद हेडलाइट टूटी हुई है या फिर फेंडर वगैरह पे कोई डेंट वगैरह आया होगा। आया ऐसा कोई ट्रक यहाँ पे? कोई भर गया सर। हाँ, एक औरत। हाँ सर, एक गाड़ी आई हुई और उसका ड्राइवर भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, शायद वही गाड़ी तो नहीं। ड्राइवर है यहाँ पे? अभी अभी यहीं पर था, शायद कहीं गया होगा। और ये ट्रक कहाँ पर है? वो रहा साहब, ये देखिए सर, हेडलाइट टूटी हुई है, यही ट्रक है। ये देखो, खून लगा हुआ है, खून साफ करने की कोशिश भी की है। कहाँ गया ये ड्राइवर? लंबन, ड्राइवर कहाँ गया? सेठ, नाके तक गया पान खाने के लिए। नाके पे गया पान खाने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल के घर पर? सर मैं तो बस क्या
काजल से मिलने आई थी। मिलने आई थी? अच्छा, मगर तुम्ही ने कहा था ना कि काजल यहाँ पर नहीं, वो जयपुर गई है शादी के लिए। क्यों? हाँ सर। तो फिर? वो तो जयपुर ही गई है सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या छुपा रहे हो मुझे? सर, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं उसे फोन कर रही थी, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके घर आके देख लूं कि वो घर पर है कि नहीं। कहीं वो घर पर तो नहीं? अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी उसके साथ, जरा मैं भी तो सुन लूं। ये वही बात है ना, नकली नोटों वाली। क्यों? हाँ। वो नकली नोटों की बात थी सर। बताओ बताओ, बात क्या है? काजल इन नकली नोटों के चक्कर में तो फंसी नहीं सर? वो नकली नोट मुझे काजल नहीं दिए हैं सर। लूट काजल नहीं दिए थे? हाँ सर। सर मगर मुझे नहीं लगता कि काजल इन नकली नोटों का काम करती होगी सर, जरूर उसे किसी ने फंसाया है। काजल की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है ताशा। एक CID ऑफिसर चाहे किसी भी जाल में फंसा, कभी गलत काम नहीं करेगा, फिर चाहे उसकी जान भी क्यों न चली जाए। नकली नोटों के चक्कर में ये नकली नोट काजल ने तुम्हें ही क्यों दिए? तुम्हें ही क्यों? सर उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही वापस किए थे सर। मैं तो बस उसे ये पूछना चाहती थी कि उसने मुझे नकली नोट क्यों दिए। अच्छा, तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर पहले मैं जानना चाहती थी कि काजल किसी गलत काम में तो नहीं, इसलिए। ठीक है, ये तो पता चल ही जाएगा। चलो काजल का घर चेक करते हैं अच्छी तरह से। माय गॉड, क्या हुआ यहाँ पर? माय गॉड, सारा सामान इतना बिखरा पड़ा, क्या हुआ क्या यहाँ पर? तशा, क्या हुआ था यहाँ पर? ये मत कहो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ तो हुआ यहाँ पर, कुछ तो हुआ। आशा, माय गॉड, काजल की लाल। काजल? ताशा, तुम कैसे कह सकती हो कि ये काजल है? सलाश के कपड़े देख के तो यही लग रहा है कि ये काजल है सर। नहीं ताशा, ताशा ये काजल नहीं है, नहीं है काजल। तो वही कपड़े, वही शरीर, पर ये तो काजल ही है ना सर। ताशा, जब तक जांच पूरी नहीं होती, ये साबित नहीं होता कि ये लाश काजल की है, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये काजल है, समझी तुम? बाहर से ताला भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ? इस घर में खून हुआ है, काजल के घर में खून हुआ है, खून। और इस लड़की का चेहरा देखो, इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है कि इसे कोई पहचान ही ना सके। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है ताशा, चेहरा जान बूझ कर बिगाड़ा गया है। देखो कुछ मिलता है क्या, ढूंढो ढूंढो अच्छी तरह से। सर यहाँ के कबर्ड्स और ड्रॉर्स भी खाली है, लगता है यहाँ पर चोरी हुई है। कबर्ड भी खाली, ड्रॉर्स भी खाली हो रही है, सेफ भी खाली है, और ये लड़की, इसका चेहरा इतना बिगाड़ा गया कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकता है। है क्या ये चक्कर? है कौन ये लड़की? आई कहां से है? है कौन ये?
बेटे सामने आदमी खड़ा है, जिसे होलिया बताया था वो गैराज वालों ने, उसे तो यही लगता है ये हरे कुत्ते वाला। कैसे कौन है आप लोग? ओ हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ कि ZYU 9732 ये ट्रक तुम ही चलाते हो ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम्हें बताना चाहिए कि क्या हुआ, क्या किया तुमने अपने ट्रक से? मैं कुछ समझा नहीं। रानी रोड पे एक सुनसान जगह पे ट्रक से एक औरत को ठक्कर मार के तुम भाग आए ना, और ऐसे भोले बंदे जैसे कुछ किया ही नहीं तुमने क्या? कौन है आप लोग? CID गिलास फोड़ के खड़े हो यहाँ पे, खड़े समझा? जरा सा भी हिला या भागने की हरकत थी तो तेरा क्या हशर करूंगा तू समझ नहीं सकेगा, समझा? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया था। वो लड़की अचानक से मेरे ट्रक के सामने आ गई, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं सका। इतना हॉर्न बजाया सामने से हटी ही नहीं है। भगवान ये तो मर गई, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। बस जरा यहाँ देखो ये क्या है? गोली लगने का निशान है सर उनके। बिल्कुल यार, इसकी मौत तो एक्सीडेंट से हुई, तो क्या एक्सीडेंट होते होते ही से गोली लगी? सर ट्रक ड्राइवर ने तो कहा था कि लड़की जंगल से बाहर भागते हुए आई और उसके ट्रक के सामने आ गई, और उसने गोली वोली चलने की तो कोई बात ही नहीं की सर, और ऐसा लगता तो नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। तो फिर गोली आई कहाँ से? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गोली पहले लग गई? बस मुझे लगता है दया बिल्कुल ठीक है, एक्सीडेंट होने से पहले किसी ने इस लड़की को गोली मारी। गोली का घाव हमें दिखाई दिया नहीं क्योंकि पूरी बॉडी पर एक्सीडेंट की वजह से घाव ही घाव, बाद में एक्सरे से पता चला। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोच समझ के किया हुआ खून है। बिल्कुल, और गोली मारने से पहले इस लड़की को बांध कर रखा गया। बांध के रखा था? देखो इसके हाथों पर ये निशान, रस्सी बांधने का। और सर ये दूसरी लाश? हाँ ये दूसरी लाश, बस ये दूसरी लाश काजल की हो भी सकती है। अब नहीं, जब तक पूरे टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ भी नहीं कह सकता। भगवान करे ये काजल ना हो। सर इसके फिंगरप्रिंट से तो हम पता कर सकते हैं ना कि ये काजल है कि नहीं? ताशा हमने कोशिश की थी इसके फिंगरप्रिंट्स लेने की, लेकिन इसकी उंगलियों को बुरी तरह से खराब कर दिया गया। दरअसल खूनी ने सारे सबूत निकालने की कोशिश की। तो फिर सांग की इसकी डेंटल रिकॉर्ड या फिर इसका चेहरा बनाकर पता लगा सकते हैं? नहीं बॉस, इसके चेहरे की हड्डियों को और इसके दांतों को भी बुरी तरह से खराब कर दिया गया। मतलब फेस रिकंस्ट्रक्शन का चांस ही नहीं है ना? बिल्कुल। तो फिर सांग है बचता है डीएनए टेस्ट। बिल्कुल, और डीएनए टेस्ट के लिए मुझे काजल का टूथब्रश या हेयर ब्रश चाहिए, ताकि उसके टूथब्रश पर कोई थूक लगा हो या उसके हेयर ब्रश पर कोई बाल मिल जाए तो उससे डीएनए सैंपल लेकर के मैच किया जा सके। कोई सस्ता ही बंगलो बुक करा देते, कुछ पैसे बच जाते तो हमारे ही काम आते ना। तुम कभी मेरे किसी काम से खुश हुई हो क्या? ना? कुछ भी कर लो तुम्हारे डायलॉग वही रहेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। सस्ता भी बुक करता ना तो यही सुनने को मिलता मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा दी सस्ता बुक करके। ठीक है ठीक है, अगली बार कोई भी काम हो ना तो मैं खुद ही कर लिया करूंगी। अरे भगवान, बेटे की शादी है,
कुछ ज्यादा भी खर्चा होगा तो क्या हो जाएगा? अरे लोग वाह वाह करेंगे। अंकल जी जी कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आइए बैठिए। देखिए हम काजल से मिलने आए हैं यहाँ। काजल से मिलने हैं? जी हाँ, थोड़ी जरूरी बात करनी थी उसके साथ। जरा प्लीज बुलाइए काजल को। पर सर काजल दीदी तो यहाँ पर नहीं है। क्या काजल यहाँ पर नहीं? मगर वो तो कहकर आई थी कि वो यहीं आने वाली है। आई थी मगर दूसरी फ्लाइट से वापस चली गई। कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है, वापस जाना पड़ेगा। और शादी के चक्कर में हम उसे फोन भी नहीं कर पाए, वरना उसने तो हमें बहुत मदद की है। नहीं तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे? काजल ने पैसे की मदद की आप लोगों को शादी के खर्चे के लिए? हाँ। कितनी कितनी मदद की? कहाँ है वो पैसे? वो तो सब खर्चा हो गए, सिर्फ 50,000 बचे हैं हमारे पास। कहाँ है फिर वो 50,000? जरा दिखाइए। तुम्हारे पास बैग में ही है ना? हाँ। निकाल के दिखा सब। पर सर बात क्या है? काजल ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा, ये भी नोट नकली है। नकली नोट? ये नकली नोट है? जी हाँ नकली है। अरे यही वो जगह है ना जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट किया? हाँ साहब, जगह तो यही है, लेकिन साहब मैंने एक्सीडेंट जानबूझ करके नहीं किया साहब। तो फिर कैसे हो गया? लड़की किस तरफ से आई थी भाग के? साहब इस तरफ से आई थी साहब। इस तरफ से? हाँ साहब। कोई और था उसके साथ? साहब मैंने तो उस लड़की के साथ किसी को नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा। कौन था वो दिखाने? साहब एक आदमी को मैंने जंगल में भागते हुए देखा। वो आदमी उसका पीछा कर रहा था? हाँ साहब, उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथियार हो। कोई गन वगैरह थी? साहब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि उसके हाथ में गन ही थी, लेकिन उसके हाथ में हथियार जैसा जरूर कुछ था। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था या नहीं? साहब बस मैं चेहरा ही नहीं देख पाया क्योंकि मैं उस वक्त डरा हुआ था और वहां से भागने की सोच रहा था क्योंकि मुझे कोई देख ना ले। सर उसी आदमी ने मारी होगी गोली, लेकिन ये गोली उसने एक्सीडेंट के वक्त मारी या एक्सीडेंट के पहले? मुझे लगता है फ्रेडी गोली उसी वक्त चली जब एक्सीडेंट हुआ, और बाकी तो गुरुजी बता सकते हैं। गुरुजी? हाँ सालों के गुरुजी। क्या हुआ सर? बस जो हुआ है उससे मैं हिल गया हूं, और जो अब होने वाला है उससे तुम हिल जाओ। इतना बिगड़ गया? मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा किए। तो? बस बताता हूं, ये जो इस टूथब्रश से जो डीएनए सैंपल मिला है वो इस लड़की का है। मगर ये टूथब्रश तो हम काजल के घर से लाए थे। हाँ ताशा, ये टूथब्रश काजल का ही है। तो इसका मतलब है कि एक मिनट बस, इस हेयर ब्रश में जो बाल मिला है वो भी इस लड़की का है। हाँ बस, ये सारा सामान आप लोग काजल के घर से लाए थे। मतलब संख्या ही है काजल है।
हाँ प्रदीप, इस बात को ज्यादा देर तक झुठलाया नहीं जा सकता है कि काजल ही है। वो लड़की यहां से गई होगी। हाँ सर, उस लड़की को यहीं पे बांध कर रखा होगा, मौका मिलते ही भाग गई होगी बेचारी। जिसने उसे बांध के रखा था उसके पीछे पीछे सड़क तक भागा होगा, और जब रुकी नहीं तो गोली मार दी और उसी वक्त एक्सीडेंट भी हो गया। चलो देखते हैं। रस्सियां, मतलब उस लड़की को यहां पे बांध के रखा था किसी ने। ये क्या है? सर, वो पेपर से सर, किसी ने सबूत बचाने की कोशिश की है। ओ, चले हुए पेपर्स और यहां पे लड़की को बांध के रखा जाना, ये कोई बड़ा चक्कर है फेड़ी। देखो फेड़ी, कुछ लिखा हुआ है। अरे ये तो नोट है सर। मतलब किसी ने नकली नोट्स को यहां पे जलाए हैं, 500 के। शायद इसके बारे में उस लड़की को पता चला होगा और इसीलिए उसे मार दिया गया। अब सर, काजल का भी इससे संबंध है? शायद। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, शायद कुछ और भी मिल जाए। तो नहीं है। एक मिनट, थोड़ी बैटरी बची है, देखते हैं किसको फोन किया था। एक मैसेज भी है इसमें, मैं उनके साथ हूं, तुम लोग भाग जाओ, छुप जाओ कहीं जाके। किसी को भागने के लिए कह रही है सर, मतलब किसी और की भी जान खतरे में है। फ्रेडी, इस लड़की ने इस नंबर से मैसेज भेजा है, मोबाइल फोन से पता कर सकते हैं कि नंबर किसका है? यस सर। हेलो, मैं जरी बात कर रहा हूँ। देखो 0571 5489 0, ये नंबर किसके नाम है? क्या साक्षी, एड्रेस क्या है उसका? हॉस्टल से बोल रही हूँ। हेलो, बात करनी है आपको? हाँ बात करनी है, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, मुंबई सीआईडी से। सीआईडी? जी बोलिए, क्या बात है? आपके हॉस्टल में साक्षी नाम की लड़की रहती है। साक्षी? हाँ। साक्षी तो सर, एक मिनट रुकिए, मैं रजिस्टर में देखती हूँ। प्लीज सर, साक्षी तो अभी हॉस्टल में नहीं है, वो मुंबई में ही है पिछले एक हफ्ते से। मुंबई में? मुंबई कहाँ पे कुछ मालूम है? इस दोस्त का नाम क्या है, कुछ बताया? नहीं सर। अच्छा, कौन से कॉलेज में गया, कुछ नाम हम लिखा है वहाँ पे कॉलेज का? जी हाँ, लिखा है जेक्यू कॉलेज। जेक्यू कॉलेज? जी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जेक्यू कॉलेज में तो काजल भी पढ़ती थी सर, और उसका घर भी ओशिवारा में। काजल जेक्यू कॉलेज में पढ़ती थी और साक्षी जेक्यू कॉलेज की स्टूडेंट है, तो हो सकता है काजल और साक्षी दोस्त हो, और साक्षी काजल के साथ रह रही हो वो शिवरा में। और ये भी हो सकता है कि वो जो टूथब्रश और हेयरब्रश काजल के घर से मिला है वो साक्षी का ही हो। सर अगर ऐसा है तो फिर काजल कहाँ है? हाँ, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूं।
अच्छा ओके ओके थैंक्स सर। जिस मोबाइल से साक्षी को मैसेज किया गया था वो मोबाइल किसी परिणीता का था सर। मतलब एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की परिणीता है? हाँ सर, और वो टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी। ओह, तो फिर ये साक्षी और परिणीता, इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है। काजल के घर की फिर से तलाशी लेनी चाहिए, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ये साक्षी यहां काजल के साथ रह रही थी तो कोई तो सबूत होना चाहिए उसका यहां रहने का। कुछ तो सामान, हेयरब्रश और टूथब्रश के अलावा? हाँ सर, हो सकता है कि वो हेयरब्रश और टूथब्रश साक्षी के, इसलिए तो वो उसकी लाश से मैच हो गए। और सर, ये भी हो सकता है कि काजल जिंदा। हाँ ताशा, भगवान करे तुम्हारी बात सच्ची हो, लेकिन क्या कहें, कुछ भी हो सकता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षी और परिणीता दोनों इस नकली नोट के रैकेट में मिले हुए हैं और काजल को इस बारे में कुछ पता ही ना? हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। काजल ने मुझे बताया था कि उसके घर में तो कोई वॉशिंग मशीन है ही नहीं। काजल के घर में वॉशिंग मशीन थी नहीं, तो फिर ये कहां से आ गई? देखिए और कुछ भी है इसमें? देखो जरा आराम से। ये तो मेकअप का बॉक्स है ना? सर लेकिन काजल तो ऐसा कोई मेकअप बॉक्स यूज नहीं करती। काजल मेकअप नहीं यूज करती, तो फिर ये मेकअप का सामान, सारा सामान ताशा ज्यादातर मुझे लगता है शूटिंग में यूज इस्तेमाल होता है ना? सारा सामान है कौन ये? ये क्या? तो सारा सामान शूटिंग में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी शूटिंग में। एक मिनट क्या है? आराम से पकड़ो इसे। ओहो, इतना सारा पैसा? लाखों रुपए होंगे इसमें, कम से कम 3-4 लाख। नोट तो असली ही है। असली नोटों को इस तरह छुपा कर क्यों रखा है? वही तो ताशा, ये जो भी कोई है, जिसका भी पैसा है, मुझे लगता है ये नकली नोटों के रैकेट में जरूर फंसा हुआ है, और वो थिएटर और शूटिंग से जुड़ा हुआ है। पता लगाना पड़ेगा है कौन है। टॉरस थिएटर, यही पे होने वाला है ना प्रोग्राम जिसमें साक्षी और परिणीता काम करती हैं? हाँ सर, कोई दादीज ग्रुप है जो वो प्रोग्राम करने वाला है। उसमें साक्षी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है और परिणीता कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। कोई बड़ा ग्रुप है क्या? कह तो रहे कि ये बड़ा ग्रुप है, ये लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी
घूम घूम के प्रोग्राम करते रहते। इस ग्रुप के मैनेजर को ढूंढो, उसे जरूर कुछ मालूम होगा कि कौन कौन मिला हुआ है इस परिणीता और साक्षी के साथ। हाँ सर, शायद काजल के बारे में कुछ सुराग हाथ लग जा सके। ये लोग तो सामान बाहर लेके जा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? तुमने शेटे के मैनेजर से बात की थी ना? हाँ सर। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि अभी तो रिहर्सल चल रही है, प्रोग्राम बाद में होगा। चलो चल के देखते हैं। अरे ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जैसा बोला सर वैसा कर दिया हमने। क्या बताया था मैंने? क्यों दिमाग खराब कर रहे तुम? प्लान में ये बताया था अगर तुम विलेन के छुपने की जगह ये करोगे तो हीरो हीरोइन को लेकर जाएगा कैसे, और फिर विलेन भागेगा कहाँ से? वो हम कैसे बताएंगे सर विलेन कहाँ से भागेगा, ये तो आपको सोचना है ना। यार अनिकेत, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। यार किसने भेजा इस आदमी को? अरे महेश तुम टेंशन मत लो यार, मैं कुछ करता हूँ। तुम बाहर जाओ यहाँ से, और दादा को अंदर भेजो, बोलो बुलाया अंदर। मेरा पैसा कौन देगा? अरे दे देंगे तुम्हारे पैसे भी, जाओ दादा को अंदर भेजो। पैसे की बात करो। अरे तू निकल पहले यहाँ से निकल। एक्सक्यूज मी, ये दाजी सेटअप ग्रुप का काम चल रहा है ना? हाँ जी। हम लोग सीआईडी से साक्षी और परिणीता के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। हाँ बताया था मैनेजर ने कि आप लोग आने वाले हैं। मैं अनिकेत हूँ प्रोड्यूसर, और ये महेश डायरेक्टर है। हेलो। साक्षी और परिणीता की मौत का दुख देखिए हमें भी है, हमें धक्का भी बहुत गहरा लगा है। सिर्फ मौत नहीं हुई है, किसी ने खून कर दिया उनका। खून? हाँ, ये दोनों लड़कियां नकली नोटों का धंधा करती थी, और शायद उसी वजह से उनका खून भी हो गया। नकली नोटों का बिजनेस? दिखने में तो वो बहुत ही शरीफ लगती थी, पर उन्होंने ये नकली नोट का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? जी उनको देखकर हमने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि वो ऐसा काम करती होंगी। यहाँ तो बड़ा मन लगा के काम करती थी। अनिकेत, अनिकेत, जब तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सेट कंप्लीट कैसे होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने यहाँ एक कॉफिन रखी थी, एक मम्मी की कॉफिन जिसमें हीरोइन छुपेगी, वो मम्मी रखने वाला बॉक्स मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो कहाँ गया वो? सुना है किसी ने भेज दिया यहाँ से। भेज दिया? क्यों? जिस चीज की यहाँ पे जरूरत थी उसे भेज दिया? किसने भेज दिया वो मम्मी का कास्केट यहाँ से? हाँ जो लोग सामान लोड कर रहे थे ट्रक में जरा उन्हें बुला। साहब उनमें से एक आदमी है यहाँ पे, बाकी सब तो सामान के साथ चले गए। बुलाओ उसे। ठीक है सर। मैंने भी प्रॉपर्टी रूम में सबसे पूछा मगर कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। आजा। किसने भिजवाया वो मम्मी का कास्केट यहाँ से? हाँ उसकी जरूरत तो यहाँ पे थी, किसने बोला तुम्हें भेजने के लिए? हाँ तुमने भेजा? क्या था उस कास्केट? क्या था उस कास्केट? उस कास्केट में क्या था आखिरी बार पूछा। बोल 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 बोल। बहुत भाग लिया। बता क्या था उस कास्केट में? छोड़ दूंगा नीचे, छोड़ो। हाँ छोड़ दो।
कहाँ भेजा उसका? यही वो ट्रक है जिसमें वो कास्केट वाले बॉक्सेस रखे थे मम्मी इसके। ट्रक तो खाली सर, ये वही लोग हैं सर जिन्होंने मम्मी वाला बॉक्स ट्रक में रखा था। आजा रुक, बॉक्स का क्या किया जिसमें मम्मी रखी? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक, अरे रुक जा, कहां भाग रहा है? रुक जा। वो मम्मी वाला बॉक्स कहां पे छुपा के रखा है तुमने बताओ? देखो दया सर आ जाएंगे, सिर्फ बताना मुश्किल होगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। समझे? दया हो या और कोई आने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो पियानिस्ट पियानिस्ट मुंह के अंदर दांतों का पियानो बजाते समझे? अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सर इसे सब कुछ पता है सर, सब पता है सर। जब दया का हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। बॉक्स कहाँ है? वो बॉक्स हमने पूल में डाल दिया। डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने। दोनों ने गुनाह तो कर लिया लेकिन अंजाम के बारे में सोचा नहीं। दोनों को हथकड़ियां लगा दी सर, गाड़ी में बैठे। जिंदा ये काजल, काजल, काजल उठो, काजल। थिएटर की आड़ में नकली नोटों का धंधा करते हो। थिएटर जैसी सुंदर कला को बदनाम करके रख दिया तुम लोगों ने। एक तो नकली नोटों का धंधा, ऊपर से एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप किया। सर अगर आपने वक्त पर नहीं आते तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होती। इन लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था। कहाँ कहाँ पे बांधे हैं नकली नोट और कौन कौन लोग हैं तुम लोग के साथ? सर ये नकली नोट का काम ज्यादातर वो साक्षी और परिणीता ही करते थे। उन लोगों ने नोट किस किस को कहां कहां बांटे हमें नहीं पता सर। एजेंट्स भी उन्होंने बाहर खुद ही तैयार किए हैं। हमारा काम सिर्फ नकली नोट पहुंचाना था उसे, लेकिन मार्केट में चला उनका काम था। वो दोनों हमारे लिए सब कुछ थे, एजेंट मैनेजर सब कुछ। लेकिन उसके बाद साक्षी ने हमारे साथ गद्दारी की।
उसने हमें ये नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त सीआईडी ऑफिसर है। हम लोग एक्चुअली डर गए थे सर, हमें लगा हम कहीं पकड़े ना जाए, पर फिर एक दिन अचानक उनके एजेंट ने फोन किया तो नकली नोटों के बंडल के लिए, वो पूछ रहा था वो मिला कि नहीं। तो तुम समझ गए कि साक्षी ने कुछ गड़बड़ की है उस नोटों के पार्सल के साथ, है ना? सर साक्षी ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, शादी के लिए जो पैसे मैंने निकाले थे उसने उन पैसों को भी नकली नोट्स के साथ बदल दिया। साक्षी को क्यों मारा तुम लोगों? उसके मन में लालच आ गया था, वो एकदम से अमीर बनना चाहती थी, छुप के बैठी थी सीआईडी वालों के घर में और वहीं से अकेले में नकली नोटों का कारोबार चला रही थी। पता कैसे चला तुम्हें साक्षी के बारे में, बताओ? एक दिन हम लोगों ने परिणीता का पीछा किया और उसे पकड़कर जब मारा पीटा तो उसने हमें साक्षी का पता बता दिया। सर साक्षी को मारने के लिए जब ये लोग मेरे घर पहुंचे तो मैंने इन लोगों को देख लिया, तो इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। मगर तुम तो जयपुर गई थी ना? हाँ सर, साक्षी को परिणीता ने मैसेज किया था कि उसकी जान खतरे में है, तभी साक्षी ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, यहां कुछ गड़बड़ हो गई है और मैं लौट आई सर। मगर तब तक साक्षी को मार दिया था इन लोगों ने। हाँ सर। तुम लोगों ने परिणीता को क्यों मारा? क्योंकि वो हमसे भाग रही थी, हमें लगा कि अगर वो पकड़ी गई तो सब कुछ उगल देगी और हम लोग फंस जाएंगे। तो तुमने उसे भी मार दिया? हाँ। पैसे की लालच में क्या क्या नहीं किया तुम दोनों ने, दो दो खून किए, नकली नोटों का धंधा किया, एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप किया, तुम्हारे बाप का घड़ा तो भर गया, अब फांसी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।